तो चलिए आज मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर में और यहाँ आपको दिखाऊंगा आप किस प्रकार से भीड़ लगी है, किस प्रकार से लोग बैठे चेयर में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा रायपुर की सबसे फेमस पाव भाजी, जी हाँ गाइस, जो कि एमजी रोड में श्रीनाथ पाव भाजी है इनका नाम। तो चलिए अंदर चलेंगे और यहाँ की मेकिंग देखेंगे। चलिए तो गाइस आप देख रहे हैं पाव भाजी की मेकिंग, टमाटर कट चुके हमारे, ये मटर आ गए, ये आलू आ गए गाइस यहाँ पे। पालक आ गए, अब डालेगा भी इसमें पानी थोड़ा सा। अच्छा, इसको मैश करने के लिए। ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे पानी डाला जैसे कि आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब इसको भैया अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी लोग खा रहे हैं, बाहर भीड़ लगी बिल्कुल एकदम। और जो श्रीनाथ पाव भाजी काफ़ी फेमस है गाइस रायपुर में, कभी भी आप आते हैं तो इंडी में भैया से लोकेशन भी पूछ लेंगे। तो अगर आप रायपुर से तो एक बार तो ज़रूर ही आएँ और यहाँ का टेस्ट करें कैसा रहता है रायपुर, जो भी रायपुर का पाव भाजी है आपका। नमक आ गया, पाव भाजी मसाला, ठीक है, पाव भाजी मसाला आ गया, घर में ही बनता है। अच्छा, धनिया पाउडर, ठीक है, मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी लहसुन है। अच्छा, ये ऑनियन है, धनिया पत्ता, ठीक है, वहाँ पर चला गया पानी, ठीक है, ये अच्छे से पैकिंग होगी। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारी भाजी जो है वो बन के तैयार हो रही है। अच्छा भैया, जैसे कोई अगर यहाँ पे आना चाहता है तो उनको लोकेशन बता दीजिए आप। लोकेशन सर एमजी रोड में मंजू ममता के सामने वाली गली है। अच्छा, एमबीए चार के सामने, ठीक है, और जस्ट बाजू में है उपार कार, ठीक है। अपने दुकान का नाम क्या है? श्रीनाथ पाव भाजी। श्रीनाथ पाव भाजी रोड में एक लौटा मैं श्रीनाथ पर। जी। बाकी जो पहले कॉपी राइट थे वो सबको हटवा दिए। अच्छा, सर भाजी ये बन के तैयार हो गई, ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी जो भाजी है तैयार हो गई है, ठीक है। टीका ये तैयार है, ये गाइस यहाँ पे हमारी जो पाव भाजी है ये बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं आप। सर इसके खाइए, उसके बाद पुलाव बना। चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।